थंबनेल से ही आप जान गए आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे गुलदाउदी या क्राइसेंथेमम प्लांट से नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटो केयर। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त विप्लव। मेरे पास ये 6 प्रकार की गुलदाउदी प्लांट है। इस प्लांट की कटिंग से हम नया प्लांट तैयार करेंगे। कटिंग लगाने की पहले इसको मीडिया चूज़ करना ज़रूरी है। सही मीडिया नहीं हो तो कटिंग 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। कटिंग से गुलदाउदी प्लांट तैयार करने के लिए सैंड मीडिया लेना ज़रूरी है। बारीक सैंड लेना है। सैंड को अच्छा से धोना है। इसके अंदर कोई भी मिट्टी और दूसरा पदार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा क्लीन करके धो लेना है। मेरे पास 6 मदर प्लांट है, इसलिए मैंने 6 छोटा छोटा पट लिया। कभी भी बड़ा पट में कटिंग लगाने की कोशिश मत करना। उससे क्या होता है, सारे वैरायटी एक साथ हो जाने से अलग अलग वैरायटी की पहचानने में दिक्कत आते हैं। इसलिए मैंने 6 पट में 6 प्रकार की कटिंग लगाऊंगा। पट की नीचे तरफ ऐसा होल होना ज़रूरी है। इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है और कटिंग की सक्सेस रेट 100% आ जाते हैं। सभी पट में रेत भर दिया। अभी कटिंग बनाना है। पहले ये पौधे से ही कटिंग बनाऊंगा। पौधे में से अच्छा हेल्दी कटिंग हम चूज करके काट कर लेंगे। कट करने के लिए एक नया ब्लेड होना चाहिए। कोई भी पुराना ब्लेड इस्तेमाल मत करना। कट करने के टाइम हमें एक ख्याल रखना है, ये जो नोड एरिया है, इस नोड एरिया की थोड़ा नीचे से ही हमें कट करना है और कटिंग की साइज कम से कम 2 से 2.5 इंच होना चाहिए। ऐसा हेल्दी कटिंग चूज करने के बाद थोड़ा बहुत पत्ते को हटाना है। सारे के सारे पत्ता नहीं रहना है, इसमें से थोड़ा बहुत पत्ता ऐसे कट कर देना है। हमारा कटिंग तैयार हो गए। अभी इसको इस सैंड में लगाना है। सैंड में लगाने के लिए सैंड में थोड़ा ऐसा छेद करना ज़रूरी है। अगर कटिंग को डायरेक्ट इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कटिंग में नुकसान होगा। उस छेद में ऐसा कटिंग को इंसर्ट कर देना है और साइड से ऐसे दबा के टाइट कर देना है और ध्यान रखना है कोई गैप नहीं रह जाए। अगर इसमें कोई गैप रह जाए तो कटिंग सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए ऐसे थोड़ा बहुत दबा देना है। बस हमारा कटिंग लगाना हो गए। अभी इसमें पानी देना है। डायरेक्ट पानी इसमें मत देना, पानी ऐसे छिड़काव कर देना है। कोई भी बोतल की जो कैप है उस कैप को ऐसा छोटा छोटा छेद कर लेना और ऐसा पानी को स्प्रे कर देना। ऐसे पानी देने से क्या होगा, रेत बहुत ही टाइट होके एकदम दब जाएगा और हमारा कटिंग 100% सक्सेसफुल होगा। अभी ये जो कटिंग हम लगाया इसमें कोई भी फंगिसाइड मत देना, केवल पानी ही डालना और ख्याल रखना है पानी की कभी कमी ना हो जाए। अभी इस पट को कोई शेडी एरिया में रखना है, एकदम धूप में नहीं रखना। कम से कम 6 से 7 रोज एक शेडी एरिया में इसको रखना है। 20 या 22 रोज में ही हमारा कटिंग तैयार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसा वीडियो दोबारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप भी आपका पौधे के तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।